सभी को प्रभावित करते हुए और सभी को चौंकाते हुए इंग्लैंड को वेस्टइंडीज की टीम ने वनडे सीरीज में मात दे दी है। 2-1 से वेस्टइंडीज टीम ने सीरीज अपने नाम की। तीसरा मुकाबला जो खेला गया उसमें वेस्टइंडीज ने 4 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया और इसी के साथ 2-1 से सीरीज वेस्टइंडीज ने अपने नाम कर ली है। और 25 साल के लंबे इंतजार के बाद वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को अपनी सरजमी पर, अपनी धरती पर वनडे सीरीज में शिकस्त दी है। तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा वेस्टइंडीज की टीम को इस सीरीज को जीतने के लिए। 2.5 दशक के बाद वेस्टइंडीज की टीम ने यह सीरीज जीती है। अब दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। ये T20 सीरीज भी बहुत अहम है दोनों टीमों के लिए क्योंकि वर्ल्ड कप अगले साल होना, और वेस्टइंडीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्टइंडीज होस्ट कंट्री है। वेस्टइंडीज में ही अगले साल T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा और संयुक्त मेजबान उसके साथ में USA भी है। और T20 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने और सिलेक्टर्स ने। आंद्रे रसेल की वेस्टइंडीज की T20 टीम में वापसी हुई है। ये एक चौंकाने वाला फैसला भी है लेकिन लंबे समय बाद 2021 T20 वर्ल्ड कप खेला था आंद्रे रसेल ने, उसके बाद करीब 2 साल बाद आंद्रे रसेल की नेशनल टीम में वापसी हुई है।